जब जाने लगे ना तो मौला हुसैन ने कहा, अब्बास आखिरी मर्तबा जरा जैनब से मिल लीजिए। मेरे दो भाई यहां बेहोश हो गए, कोई बाहर बेहोश हो गया, मुझे माफ कर देंगे लेकिन मैं शहादत पढ़ूंगा, आप कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, पानी देने उस बच्चे को, सुनेंगे मेरे, देखिएगा देखेंगे। बस एक मर्तबा जनाब अब्बास उस खैमे में गए जहां जनाब जैनब थी, मेरे तरफ देखिएगा, जनाब अब्बास खैमे के अंदर नहीं गए, खैमे के बाहर खड़े हो गए, कहा बीबी अलविदा। जनाब जैनब ने कहा अब्बास एक मर्तबा खैमे में आ जाइए, मौला अब्बास खैमे में, मैं तो देखिएगा आखिरी जुमले नहीं पढ़ूंगा। जनाब जैनब, जनाब अब्बास का कद बड़ा था, जनाब जैनब ने बाहें जनाब अब्बास के गले में डाली, एक जुमला कहा, नहीं नहीं रोके नहीं, एक जुमला कहा, नहीं नहीं कहा, अब्बास नहीं, हाथ जोड़ के रुक जाए। जनाब जैनब ने कहा अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी तो मुझसे बाबा ने कहा था जैनब आपको इसी कूफे में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मैं सोचा करती थी अब्बास जब मुझसे बाबा ने कहा था ना मुझे यकीन था ऐसा होगा, लेकिन मैं सोचा करती थी किसमें जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए अब्बास, लेकिन अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। सब बैठ जाए भाई, अभी ज्यारत बरामद नहीं होगी, हजरत अब्बास का हक अदा नहीं हुआ, हजरत अब्बास का हक अदा नहीं हुआ, कई लोग बेहोश हो गए, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आज सारी बहनों से कहूंगा अपने पहलू में देखिएगा, कोई 3.5 बरस की बीबी आई होगी, नहीं नहीं मेरा भाई मेरा बच्चा, नहीं नहीं अभी रुक जाए 2 मिनट बस, आप पुरसा दीजिएगा बस 2 मिनट रुक जाए बस भाई। जनाब अब्बास ने अलविदा किया, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, अब आप में बर्दाश्त की ताकत नहीं रही। जनाब अब्बास ने आंखों से आंसू बहते हुए खैमे से बाहर निकले, अलम हाथ में लिया, मशकीजा कंधे पे रखा, अपने घोड़े पे सवार हुए, फुरात की तरफ चले, हाथों में अलम था, सारे बच्चे खेमों से बाहर आ गए, हाथों में कूजे थे, सब बच्चे देख रहे अलम जा रहा, इतने में अलम नशेब में उतरा, बच्चों ने जनाबे सकीना से पूछा ये अलम नशेब में कहाँ गया, बीबी ने कहा ये मेरे चचा फुरात में उतरे हैं, बस अभी पानी लाएंगे मैं हाथों से पिलाऊंगी, अलम नशेब से निकला। जैसे ही अलम चला जनाबे सकीना ने कहा बच्चों वो आलम नहीं मेरे चचा पानी ला रहे हैं, मैं तो देखिएगा आलम लड़खड़ाने लगा। आलम लड़खड़ाने लगा, बैठ जा, आलम लड़खड़ाने लगा। एक बच्ची ने सारे बच्चों से कहा बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कहना। बीबी ने छोटे छोटे हाथ उठाए का परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो।
दो मिनट बस भाई, दो मिनट रुक जाओ। एक जुमला पढ़ दो। सुनेंगे, अलम आ गया, रुक जा, वहीं पे रुक जा, खड़े रहेंगे। जानते हैं, एक मर्तबा जब जनाबे अब्बास के बाजू कलम हो गए, लोग करीब से तीर मारने लगे जनाबे अब्बास को। जब बाजू नहीं थे, एक मलून ने करीब से तीर मारा, आंख में लगा। Yeah.